अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर रेशमा के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं 11 वारम अल्लाहु सम्मत का दस्तर कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो आपको तो पता है, किसी हर इंसान के ज़िंदगी में परेशानी, तकलीफ़, रोना धोना तो रहता ही रहता है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही, दिल के सुकून के लिए, मेरे घर के लिए मैं अल्लाहु सम्मत का दस्तर पढ़ी हूँ 11 वारम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज कंप्लीट कर चुकी हूँ, इसीलिए छोटा सा फातिहा मैं घर में रखी हूँ। आप मटन भी यूज़ कर सकते हैं, मैं कभी भी फातिहा को वेज ही यूज़ करती हूँ। आप वेज नॉन वेज दो भी यूज़ कर सकते हैं, मैं कभी भी फातिहा को ऐसा खुशका और तरकारी की ग्रेवी बना रही हूँ। तो आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, मैंने बहुत सारी सब्ज़ी लेके आई थी मार्केट से, उस दिन फुल बारिश भी था, इसीलिए लेके आई थी मैं ये फातिहा कंप्लीट करने के लिए। कोई दोस्तों को कुछ किसी को भी मैं नहीं बुलाई, सिर्फ मेरे घर के पास जितने लोग थे उतने लोग ही हम लोग मिल के फातिहा कंप्लीट कर रहे हैं। और मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि सबको भी अल्लाहु समद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हर इंसान के घर की परेशानी दूर हो दे। मैं यही बोलना चाहती हूँ, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर मेरा वीडियो देखते हैं, जो भी आपके घर में परेशानी या तकलीफ़ या कुछ भी हो, तो आप अल्लाहु समद ज़रूर 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 पढ़िए, आपकी हर दिल की तमन्ना और हर दिल की ख्वाहिश पूरी होती है। तो एक दिन पहले ही अदरक लहसुन सब बना के रख दी थी मैं, हर चीज़ फ्रेश तरकारी ले ले करके। तो यहाँ पर मैं सब्जी ग्रेवी बना रही हूँ, माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनी थी। अल्लाह के नाम से जो भी बनाओ ज़रूर 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 बहुत टेस्टी बनती है। यहाँ पर मैं गिरेज बना रही हूँ, यानी कि खुशका, ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं बनाई थी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत बनाई थी, ज़्यादा कुछ नहीं। आप सोचेंगे कि दिखावा कर रही हूँ, अल्लाह के नाम से कर रही हूँ मैं, कोई दिखावा नहीं, ताकि मेरे सब्सक्राइबर को भी पता चले कि मैंने क्या किया है बोल के शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम लोग खुशका बना रहे हैं, जल्दी जल्दी, उस दिन बारिश भी था, तो माशाल्लाह छोटा सा फातिहा था लेकिन बहुत अच्छा था। मैं सबके लिए दुआ भी करी हूँ, इंशाल्लाह जिनके भी घर में जो भी परेशानी है, आप भी अल्लाह सुम्मत ज़रूर से पढ़िए। यहाँ पर मैं मीठा भी बना रही हूँ, मुजफ्फर बनाई थी। तो मैंने पिछले ब्लॉग में आपको कहा था कि मैं वाइट कपड़ा लेने आई हूँ मार्केट में, तो इसीलिए लेके आई थी अल्लाह सुम्मत का दस्तर लिखाने के लिए। देखिए यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पर दस्तर पर लिखाने के बाद, तो मैं जिस जगह नमाज़ पढ़ती हूँ उस जगह भी मैं सूची के चलो यहाँ भी हम अल्लाह समद का नाम लिखाएंगे बोल के, तो उनसे बोलने से वो ज़रूर ज़रूर बोल के यहाँ भी अल्लाह समद लिख रहे हैं। देखिए तो ये बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, ये बचपन से यही काम करते हैं माशाल्लाह। आप जो भी पेंटिंग बोलेंगे, जो भी डिज़ाइन बोलेंगे, दिल से और दिमाग से बहुत अच्छा टैलेंट है इनमें। आप इनका फ़ोन नंबर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं ज़रूर से इनका नंबर दूँगी आपको। मैं तारीफ़ करने क्या, मैं बहुत सारा पेंटिंग कराई हूँ, आपको एक दिन ज़रूर से पूरा पिक्चर सीन के मैं ज़रूर से आपके साथ शेयर करूँगी। तो 3:10 तो हो गए थे ऑलरेडी, उस दिन खाना बनाते बनाते थोड़ा लेट हो गए थे, 4 बज गए थे। तो मैं यहाँ पर अल्लाह समद पढ़ने के लिए आ गई हूँ 11 वरम कम्प्लीट करने के लिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र गुज़ार हूँ, मेरे 11 वरम कम्प्लीट हो चुके हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई।
अल्लाह हुस्मत का दस्तर पढ़ने से इतनी सुकून, इतनी खुशी मिलती है, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। तो सभी जो लोग आए थे मेरे घर पे, आजू बाजू जितने भी मेरे थे, उन सब हमारे साथ अल्लाह हुस्मत पढ़ने में लग गए थे। तो मेरे घर में ख्वाजा जी की फ़ोटो है, जब मैं अजमेर गई थी तब लेके आई थी। तो उनके लिए ये फूल, एक एक गुलाब का फूल बांध रहे हैं ताकि उनको हम फ़ोटो पे लगा सकें। तो यहाँ पर अल्लाह हुस्मत पढ़ के कंप्लीट हो चुके हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर फातिहा दिलाने के लिए मैं मीठा काट रही हूँ। चलिए हम फातिहा दिला लेंगे सबसे पहले, नहीं तो वरना बारिश का टाइम है, फुल बारिश था और रोज़ फुल बारिश था। चलिए हम फातिहा में शामिल हो जाएंगे। यार वे पंजतने पाक पंजतने पाक पंजतने पाक पंजतने पाक यार वे 1,80,000 का कमरा यार वे 4,14,313 मुस्लिम यार वे 72 शहीद ने दस्ता करबला यार वे 14 बदा बरा इमाम यार वे को सहाबा यार तबे तबीन यार वे तबू बकर सिद्दीक रसूलुल्लाह तआला ने कमरा फारूक सल्लल्लाहु तआला ने उस्मान ने गनी रसूलुल्लाह तआला ने यार मौला अली मुस्तफा शाह शरफ खुदा करम अल्लाह हु अजमाईन यार वे तलिया रसूलुल्लाह तआला ने तलिया बे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्बास अलहमद रसूलुल्लाह तआला ने कौन मोहम्मद मोहम्मद हनीफ रसूलुल्लाह तआला इमाम कदीम ने जरूर अभी देर से लगा ना यार तो मैं बोले सुभान खुद बर अपने मकबूला तो जिलानी शेख अब्दुल कादर जिलानी कुल अल्लाह जी का आसमान हारून ने कुल अल्लाह जी या खाजा गरीब ना बताए रसूल ने जिन चिश्ती रसूलुल्लाह तआला ने सब आलम बादशाह कुल अल्लाह जी खाजा बंदे नवाज देसो तेरा कुल अल्लाह जी अल्लाह के फजलो करम से फातिहा कंप्लीट हो चुका है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए यहाँ पर खाना काट के देंगे। आज का दिन बहुत अच्छी तरह से गुजरा है, अभी बारिश का टाइम है तो जल्दी जल्दी इनको खाना खिला देंगे हम। देखिए मैं खुद अल्लाह हुस्मत पढ़ के मुझे एहसास है कि मेरा क्या अच्छा, क्या मेरे दिल को सुकून मिला है। मैं चाहती हूँ कि जिन जिन के घर में जो परेशानी है वो भी खुद आजमाइए, अल्लाह हुस्मत का दस्तर ज़रूर पढ़िए। ट्यूसडे के दिन ही हमने वीडियो बना दिए थे लेकिन दाल में थोड़ा सा लेट हो गया। नए वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।